डियर स्टूडेंट्स, अपन सिट्रस की जो डिजीज़ पे चर्चा कर रहे थे तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था डाइबेक और सिट्रस का कैंकर। उसके बाद एक डिजीज़ और है अपने सिलेबस में, तो वो है सिट्रस का गमोसिस। ठीक है, डिक्लाइन। डाइबेक जो पढ़ा था अपन ने, जो एंथ्राक्नोज होता है, सिट्रस की जो डिक्लाइन होती है, तो CTV वायरस होता है, तो उसमें भी सूखता है पौधा, इसमें भी सूखता है, तो ये सारे डिक्लाइन वाले सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो गमोसिस, गमोसिस के अंदर भी पौधा सूख जाता है, ऊपर से पूरे पीलापन दिखाई देगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पौधा सूख के ख़त्म हो जाएगा। तो गमोसिस, गमोसिस का मतलब देखो क्या होता है इसके अंदर। गम जो एक टर्म आती है, गम, गम का मतलब होता है कोई भी गम लाइक लिक्विड का सिक्रेशन, गम लाइक लिक्विड का सिक्रेशन। ठीक है, तो लिक्विड का सिक्रेशन होगा, उस वजह से उसको क्या बोलते हैं कि, या फिर उसको क्या बोलते हैं, एग्जूड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एग्जूड, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, उसका मतलब होता है लिक्विड जिसके अंदर जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है उससे इस प्रकार का लिक्विड निकलने लग जाता है, तो उसको बोल देते हैं अपने गमोसिस। जैसे अर्गट के अंदर लिक्विड निकलता है, वैसे उसी प्रकार से इसमें भी इसे लिक्विड का सिक्रेशन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गमोसिस। गमोसिस मतलब कोई प्रोसेस है कि गम निकलने की जो कंटिन्यू प्रोसेस हो गई, उसको बोल देते हैं अपन गमोसिस। सिट्रस की मेन डिजीज है इसमें, और बहुत ज़्यादा डैमेज करती है ओरचार्ड को, अगर ये कंटिन्यू अगर आती रहती है तो, मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि पूरे ओरचार्ड पे रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, गमोसिस, गमोसिस का मेन जो कारण क्या होता है इसका, देखो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है इसका फाइटोफ्थोरा। इसकी स्पीसीज जो होती है वो अलग अलग होती है, फाइटोफ्थोरा, सिट्रोफ्थोरा और फाइटोफ्थोरा पल्मीबोरा। ठीक है, और एक फाइटोफ्थोरा पेरासिटिका, ये स्पीशीज होती है इसकी, तो ये सारी अटैक करती है, तो ये दो तीन इसकी स्पीशीज है, सिट्रोफ्थोरा पल्मीबोरा और पेरासिटिका, तो ये तीनों याद कर लेनी है अपने को। ठीक है, फाइटोफ्थोरा तीनों स्पीशीज, मेन जो है इसकी वो है फाइटोफ्थोरा सिट्रोफ्थोरा, सिट्रस की है। तो ये फाइटोफ्थोरा क्या है, फंगस है, और फंगस है, और ये कौन सी क्लास की है, ओमाइसीड्स की। सीधा सा इसके अंदर क्या बनेगा, ऊस्पोर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा इसके अंदर, जूस्पोर बनेगा, जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं। ऊस्पोर क्या होते हैं, इसके अंदर लैंगिक बीजाणु होते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा इसका इटियोलॉजी मान लो चाहिए, या फिर इसका विवरण, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये ओमाइसीड्स क्लास की है फाइटोफ्थोरा। ठीक है, तो फाइटोफ्थोरा के बारे में ऐसे पूछ सकता है कि फाइटोफ्थोरा के अंदर क्या बनता है, सेक्सुअल स्पोर, ओस्पोर बनता है, ये कथन पूछ सकता है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, या फिर डैश डैश करके फाइटोफ्थोरा का नाम लिख के उसमें पूछ सकता है कि ये सेक्सुअल स्पोर होता है फाइटोफ्थोरा का, तो जैसे ओस्पोर, ओस्पोर के बारे में पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये अब इसका मेन चीज़ तो इसकी क्या है, ये फाइटोफ्थोरा फंगस हो गई। अब इसके अंदर देखो सिम्टम में क्या चीज़ होती है, सिम्टम देखो इसमें सिंपल सा है कि ये जो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे दिखाई देगा, जैसे ये प्लांट होता है अपने, तो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो होता है ये स्टेम, किस पे दिखाई देगा, स्टेम, या फिर जो इसका कॉलर रीजन होता है, यहाँ से इसका लक्षण शुरू होता है। कॉलर रीजन मतलब जहाँ पे रूट और स्टेम दोनों, जिस भाग से ये ग्राउंड लेवल पे जिस भाग से इसे जुड़े रहते हैं, तो उसको बोल देते हैं कॉलर रीजन। उस रीजन से इसका सिम्टम स्टार्ट होता है और फिर ऊपर की तरफ फैलता है। तो अब इसके ऊपर बनेगा क्या, इसके ऊपर क्या बनते हैं, लीजन्स बनते हैं, इस पर क्या बनेंगे, वाटर सॉफ्ट लीजन्स बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो धीरे धीरे ग्रे और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये लीजन्स बनेंगे। ठीक है, डार्क कलर में कन्वर्ट होंगे, फिर वाटर सॉक लीजन्स बनेगा यहाँ पे, और ये लीजन्स जो होंगे ऊपर से, सॉरी नीचे से, ये कहाँ फैलेंगे, ये लीजन जो यहाँ पे डेवलप होंगे ये ऊपर की तरफ फैलेंगे। तो ये क्या करेगा, जो ये स्टेम जो है, स्टेम की बार्क जो होगी, उस बार्क को पूरी की पूरी को कवर कर लेगी। तो अब सीधा सा है कि लीजन्स बना, लीजन वाले हिस्से पे थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, उस जहाँ पे लीजन डेवलप हुआ है उसी लीजन वाले भाग से क्या करेगा, वो एक लिक्विड का सिक्रेशन होने लग जाएगा। उसी लीजन वाले भाग से क्या होगा, एक
लिक्विड या फिर एक स्राव जिसको बोलेंगे, एक स्राव निकलने लग जाता है, उसको बोलते हैं हम गमोसिस। जैसे जैसे वो स्राव निकलता जाएगा, लिक्विड निकलता जाएगा, धीरे धीरे वो लिक्विड सूखेगा, सूखने के बाद में इसकी जो बार्क होगी, बार्क के अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्रैकिंग हो जाएगी, बार्क जो होगी वो क्रैक हो जाएगी, बार्क टूटने लग जाएगी और सूख जाएगा पौधा, और उसकी बार्क जो होगी वो सूख के ज़मीन पे गिरेगी या फिर वो बार्क वहाँ से हट जाएगी, और ये प्लांट जो होगा उसके क्या हो जाएगा, गर्डल गर्डल बन जाएंगे। गर्डल मतलब वहाँ पे वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, उसमें गड्ढे जैसी ऐसी संरचनाएं बन जाएगी। तो गर्डलिंग होने की वजह से पौधे का जो होगा जाइलम और फ्लोएम वाले जो हिस्से होते हैं ना, वो दोनों डैमेज हो जाएंगे। तो ये स्टेम का डैमेज होने की वजह से सिम्टम्स कैसे दिखाई देगा, इसके ऊपर येलोविंग स्टार्ट होगी। क्या होगा, इसका ऊपर का भाग जब इसके अंदर न्यूट्रिशन की और ये पूरी सप्लाई नहीं होगी, तो उस वजह से क्या होगा, इसमें जैसे न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होगी तो ये ऊपर का भाग होगा इसमें क्या आ जाएगी, येलोविंग आ जाएगी, पीलापन दिखाई देने लग जाएगा। येलोविंग आने की वजह से धीरे धीरे ये सूखता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा मेन सिम्टम, तो इसका कि इस स्टेम वाले भाग पे इन्फेक्शन की वजह से ऊपर का भाग धीरे धीरे सूखने लग जाता है। इसके अंदर कुछ एक चीज़ें और होती है कि जो मेच्योरिटी होती है ना, जब फ्रूट की मेच्योरिटी होती है तो उस टाइम तक तो पौधा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम तक पौधा ख़त्म हो जाने का मतलब इसके अंदर फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फ्रूट भी बनेंगे। फ्रूट मेच्योर होने से पहले पूरा का पूरा पौधा ही ख़त्म हो जाएगा, तो पूरे अपने प्रोडक्शन का ये या फिर जो अपनी उपज होगी उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो ये इसका मेन सिम्टम है। अब इसके ये कुछ सिम्टम है, देखो मेन मेन जो सिम्टम है वो ये है, याद करने वाले लिख लेना इसको, बता देता हूँ क्या। येलोविंग ऑफ लीव्स, कारण बता ही दिया कि पौधे का येलोविंग होगा किस वजह से होगा, क्योंकि स्टेम पे जब डैमेज करेगा, स्टेम को डैमेज कर देगा फंगस जब अटैक करता है स्टेम पे, तो उस वजह से क्या होगा, ऊपर का पार्ट जो होगा वो न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाई की कमी की वजह से वो क्या होगा, पूरा का पूरा सूखने लग जाएगा, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ बार्क एंड प्रोफ्यूज गमोसिस, बार्क जो होगा स्टेम या छाल जो होगी, स्टेम की छाल जो होगी, छाल पे क्या हो जाएगा, क्रैकिंग होगा। क्रैकिंग तो बाद में होती है, तो उससे पहले क्या होगा, क्रैकिंग से पहले क्या होगी, प्रोफ्यूज गमोसिस होगी, ठीक है। और इसमें एक सिम्टम और रीड करना है, तो क्या करेंगे, वाटर सॉक लीजन्स, एक सिम्टम और रीड कर सकते हैं कि वाटर सॉक लीजन्स अपीयर ऑन कॉलर रीजन, ठीक है। तो इसको कॉलर रोट भी बोल देते हैं कई बार, क्या बोल देते हैं, कॉलर रोट, स्टेम रोट जैसे नाम भी ले लेते हैं इसके, क्योंकि कॉलर रीजन पे ऐसा सिम्टम आ जाता है, ठीक है। तो वाटर सॉक जल आसिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। लीजन मतलब एक दाग बनेगा वहाँ पे, धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है तो उसका कलर भी चेंज होता जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर वो एक लास्ट में तो क्या होगा, पूरा ब्लैकनिंग हो जाएगी वहाँ पे, ब्लैकनिंग हो जाएगी, डिसकलरेशन हो जाएगा, तो पूरा का पूरा फिर बार्क क्या होगा, वहाँ से क्रैक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ सीवियर गमोसिस द बार्क बिकम कम्प्लीटली रोटन एंड ड्राई, जो बार्क होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, सड़ जाएगी, रोटन हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी जो बार्क होगी। सीवियर का मतलब तीव्र, सीवियर का मतलब तीव्र, ठीक है। सीवियर गमोसिस की वजह से क्या होगा, ये बार्क जो होगी कम्प्लीटली सड़ जाएगी, रोटन हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, ठीक है। प्लांट ब्लूजम हेविली एंड डाई बिफोर फ्रूट मैच्योर, फ्रूट मैच्योर, जो प्लांट होगा उसके क्या होगा, ब्लूजम फुल होगा, ब्लूजम मतलब उसकी फ्लोरिंग खूब होगी, उसके पुष्प भाग पूरे डेवलप हो जाएंगे, फ्रूट भी बनेगा। फ्रूट बनने के बाद में क्या होगा, फ्रूट बनने के बाद में जब मेच्योरिटी पे आएगा तो मतलब पकने के टाइम तक, तो पौधे में अचानक से क्या हो जाएगा, फिर सूखने जैसे लक्षण आ जाएंगे और पौधे के ऊपर जो फ्रूट्स होंगे वो कमियों की वजह से मेच्योर नहीं हो पाएंगे और वो झड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये पौधा पूरा का पूरा सूख जाएगा और कुल मिला के ये अल्टीमेटली पौधा जो होगा पूरा का पूरा डाई हो जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद में इसकी एक, अब देखो मेन कुछ कंडीशन इसके अंदर देखो क्या चीज़ होती है, कि फेवरेबल कंडीशन की अपने बात करें, फेवरेबल कंडीशन रहती है, देखो एक्वाटिक हैबिटेट की फंगस होती है। एक्वाटिक हैबिटेट मतलब जलीय भाग, जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे पानी की कंडीशन ज़्यादा, जल भराव की स्थिति ज़्यादा रहती है, तो उस प्रकार का हैबिटेट यानी कि उस प्रकार का आवास चाहिए फंगस को। तो ये क्या होगा, पुअर ड्रेन जो सॉइल होगी, पुअर ड्रेन सॉइल ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है, ठीक है, और वाटर लॉक्ड कंडीशन,
और हैवी रेन एरिया जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, अधिक बारिश वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा होगी, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन यही होती है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के पानी की है कि को पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए पौधे के अंदर। ठीक है, दूसरी डिजीज साइकिल में देखो इसके अंदर क्या होगा। डिजीज साइकिल के अंदर फंगस जो होगी, प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन किस वजह से होगा, तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो है सोइल बोर्न है। पहली बात तो ये है कि ये डिजीज़ क्या होगी, सोइल बोर्न, फाइटोप्थोरा जो होता है फंगस सोइल के अंदर रहता है, और दूसरा क्या होता है इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल। ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल जो बार्क वगैरह होती है वो टूट के आती है, ज़मीन में आ जाती है, ज़मीन में आने के बाद में उसके अंदर जो फंगस होगी वो कहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा सोइल के अंदर आ जाएगा, तो सोइल बोर्न इन्फेक्शन हो गया। तो मेनली इसका नाम आएगा तो क्या आएगा कि सोइल बोर्न डिजीज होती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी पूछे तो ये सोइल बोर्न में आ जाएगा, दूसरा प्लांट मटेरियल से हो जाएगा। दूसरा सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा, देखो सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जो गम निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, जो लिक्विड या एग्जूड निकलता है, वो एग्जूड क्या होता है, या तो कई बार क्या होता है कि रिंग मेथड अपने नहीं अपनाते, तो इरिगेशन का जो वाटर होगा वो उस तने के कांटेक्ट में आएगा इन्फेक्टेड एरिया के, या फिर इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में आएगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, दूसरे प्लांट में जाएगा, तो उसके अंदर फंगस के स्पोर मिक्स होकर कहाँ चले जाएंगे, नए प्लांट पे। तो इसमें मेन जो क्या होगा, एक तो आ जाएगा सोर्स जो होगा वो हो जाएगा इरीगेशन वाटर, इरीगेशन वाटर, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसमें, रेन। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, रेन। इंसेक्ट वेक्टर भी इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि जो गम होता है, जो लिक्विड निकलता है, लिक्विड निकलने की वजह से क्या होगा, उस लिक्विड वाले भाग पे क्या होते हैं, इंसेक्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट का अट्रैक्शन होने की वजह से वो इंसेक्ट क्या करेंगे, उस लिक्विड के ऊपर बैठेंगे, और फिर वो कहाँ जाएंगे, नए प्लांट पर जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका ट्रांसमिशन का काम कर देते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन वाटर हो गया, और रेन इसका मेन सोर्स होता है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उस वजह से क्या होता है, जो गम वाला जो गम होता है वो पानी के साथ में नए पौधे पे चला जाता है, तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम हो जाएगा। सोइल बोर्न है, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन सोइल बोर्न है, फंगस प्रोड्यूस ऊ स्पोर इन द सोइल, रेस्टिंग स्पोर क्या बनेगा इसके अंदर, जो डोरमेंसी में या सुसुप्त अवस्था के अंदर कौन सा स्पोर बनेगा इसके अंदर, ऊ स्पोर। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा किसके थ्रू होगा, बाय बाय जू स्पोर, तो फंगस में क्या बनेगा, इसमें जू स्पोर बनेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल बनाएंगे तो मानो ये फंगस का ऊ स्पोर है। ठीक है, ऊ स्पोर क्या करेगा, जैसे प्लांट है, प्लांट के कॉन्टेक्ट में आया, ऊ स्पोर क्या करेगा, इन्फेक्ट द प्लांट। ठीक है, यहाँ पे प्लांट का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद में क्या होगा, इसमें गमोसिस का सिम्टम हुआ, ठीक है, या फिर गम लाइक एग्जूड्स सीक्रेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्ट, इन्फेक्टेड पार्ट से जो लिक्विड निकलेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जूस स्पोर्स होंगे, उस लिक्विड में क्या होंगे, जूस स्पोर्स होंगे, या फिर जो मोटाइल जो स्पोर होते हैं, ठीक है, मोटाइल स्पोर जो जूस स्पोर होते हैं, जो जूस स्पोर निकलेंगे, जूस स्पोर क्या करेंगे, इन्फेक्ट न्यू प्लांट, इन्फेक्ट न्यू प्लांट, नए प्लांट को इन्फेक्ट करके फिर वापस क्या करेगा, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, जूस पर फिर वहाँ पे लिक्विड बना देगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ड्राई होता जाएगा, प्लांट ड्राई एंड क्रैकिंग, ठीक है, ड्राई हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगी, और लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में फंगस क्या बना देगी, फंगस प्रोड्यूस ऊ स्पोर्स। ठीक है, तो ये क्या बना देगी, ऊ स्पोर्स बना देगी, और ऊ स्पोर वापस कहाँ चला जाएगा, सोइल में चला जाएगा, तो ये इसका लाइफ साइकिल हो जाता है। मैनेजमेंट की बात करेंगे अपने,
मैनेजमेंट में सिंपल सा इसके अंदर कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो ये होती है कि इसके अंदर रजिस्टेंट रूट स्टॉक, रजिस्टेंट रूट स्टॉक काम में लेना चाहिए, ठीक है। यूज रजिस्टेंट रूट स्टॉक, ठीक है, रजिस्टेंट जिस रूट स्टॉक के अंदर रजिस्टेंट हो, रजिस्टेंट वेराइटी का, वो काम में लेना चाहिए ताकि जो रूट स्टॉक अपना रजिस्टेंट होगा तो उसके ऊपर अटैक नहीं होगा, तो ऊपर का भाग भी सेफ रहेगा, ठीक है। एक चीज क्या करते हैं इसमें, पेंटिंग द स्टेम वन मीटर अबोव ग्राउंड लेवल विद बोर्ड मिक्सर, बोर्ड मिक्सर होता है ना, उससे क्या करते हैं पेंट कर देते हैं एक मीटर की लेंथ तक उसको, पौधे को नीचे से ऊपर तक उसको पेंट कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है उसमें ये जो कॉपर का फंजीसाइड होता है ये फाइटोप्थोरा के प्रति इफेक्टिव होता है, तो इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से देखो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को हटाना ही पड़ेगा। दूसरा क्या करेंगे, स्क्रैपिंग ऑफ इन्फेक्टेड पोर्शन एंड ट्रीट विद 0.1% HgCl2 और 0.1% KMnO4, लाल धुआं जिसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या करेंगे, ये देखो इसमें स्क्रैपिंग का मतलब हो गया कि उस भाग को, स्क्रैपिंग का मतलब हो गया कि खरोंचना, स्क्रैपिंग क्या होता है, खरोंचना, स्क्रैपिंग का मतलब खरोंचना, इसको खरोंच के उस भाग को खुरच लेते हैं जिस भाग में इन्फेक्शन होता है उस भाग को खुरच के, और उस खुरचे हुए भाग को अपने किससे ट्रीट कर देते हैं, अपने HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट। तो वो एक प्रकार की क्या होती है, एक ट्री सर्जरी जिसको बोल देते हैं, एक प्रकार से सर्जरी करके उसको और फिर उसको कीमोथेरेपी दे देते हैं, तो ये एक सीधा सा प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे अपने, एक तो रिंग मेथड, एक तो सीधा सा है कि रिंग मेथड जो अपना इरिगेशन होता है, शुड बी अप्लाई, रिंग मेथड अप्लाई करना चाहिए अपने को, रिंग मेथड अपने इरिगेशन का काम में लेना चाहिए, ठीक है। तो रिंग मेथड मतलब अलग अलग पौधे का रिंग बना के, या फिर उसका छल्ला विधि जिसको बोलते हैं, तो वो छल्ला बना के उसको एक पौधे के अंदर इरिगेशन का अपना अलग सिस्टम हो जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं अपने, स्प्रे ऑफ स्प्रे विद मेटल एक्जिल, ठीक है, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है रिडोमिल MZ72, ठीक है, एट द रेट 0.3%, ठीक है, 0.3% से अपने रिडोमिल का क्या करेंगे अपने उसमें छिड़काव कर देते हैं। तो रिडोमिल भी ओमाइसीट्स के अगेंस्ट में सक्सेसफुल फंजीसाइड है, ठीक है। तो रिडोमिल लगभग सारी ओमाइसीट्स जो फंगस होती है, डाउनी मिल्ड्यू, एल्बुगो, पीथियम, फाइटोफ्थोरा, तो उनके अगेंस्ट में काम में लिया जाता है रिडोमिल, ठीक है। तो रिडोमिल का स्प्रे करते हैं। एक क्वेश्चन भी बनता है इसका कि रिडोमिल या फिर कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में भी पूछ लेते हैं। एक इसके अंदर सिट्रस गमोसिस डिजीज कंट्रोल करने के लिए कौन सा फंजीसाइड काम में लिया जाता है, तो ये पूछ लेते हैं कि रिडोमिल ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होता है, तो ऑब्जेक्टिव के जो अंदर ऑप्शन होते हैं उसके अंदर इसका नाम होता है, तो रिडोमिल अपने यूज करना है। इसका कॉमर्शियल नाम रिडोमिल है, वैसा इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो उसका नाम, जो मेन जो उसका कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है मेटल एक्जिल। तो ये इसका
मैनेजमेंट हो जाएगा, कल्चरल प्रैक्टिसेस सिंपल सिंपल है, रूट स्टॉक रेजिस्टेंट रूट स्टॉक यूज़ करना, ये थोड़ी बहुत ऐसे कोई स्पेशल प्रैक्टिस है पेंटिंग करना और उसका सर्जरी टाइप का कुछ करना कि ये उसका स्क्रैप करके अफेक्टेड पार्ट को और उसकी जगह पे कोई थेरेपी या ट्रीटमेंट करना। अब उसके बाद में क्या करेंगे, रिंग मेथड अपने इरीगेशन यूज़ करना चाहिए और स्प्रे की बात करते हैं अपने मेटल एक्जेल का। तो आज अपने सिलेबस के अंदर जो सिट्रस का था उसका यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे ग्रेप की, दो डिजीज है उसके अंदर, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राकनोज। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।